फाइनली बॉक्स ऑफिस पे तूफान लाई है थलपति विजय का फिल्म लियो, और फिल्म एक तगड़ा ओपनिंग लेकर नया रिकॉर्ड सेट किया है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए लियो का टोटल टू डेज कलेक्शन के बारे में जानते हैं एक इंट्रो के बाद। लियो रहा मास्टरपीस डायरेक्टर लोकेश कनगराज का एलसीयू का पार्ट, जहाँ पर थलपति विजय ने अपने कैरियर में कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। एक तरफ उनका रहा स्वीट, दूसरी तरफ उनका रहा ब्लडी एफ्टर। पर जहाँ पर फिल्म को मिला है मिक्स्ड रिव्यू, एक तरफ फिल्म को लेकर ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पर दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि लियो फिल्म को जबरदस्ती से एलसीयू का पार्ट बनाई गई है। पर जो भी हो, चलिए बात करते हैं फिल्म का कलेक्शन को लेकर, जहाँ पर लियो का बजट है लगभग 250 करोड़। और ये फिल्म अपनी होमलैंड यानी कि तमिलनाडु पे फर्स्ट पे दिया है 32 करोड़ का मैसिव ओपनिंग, ऐसे करके 2023 का बिगेस्ट तमिलनाडु ओपनिंग फिल्म बन चुके हैं लियो फिल्म। सिर्फ 2023 में ही देखा जाए तो लियो तमिलनाडु पर ओपनिंग की मामला पे ऑल टाइम रिकॉर्ड किया है। तमिल को छोड़कर दूसरे स्टेट की बात करूं तो तेलुगु पे लियो दिया है लगभग 15 करोड़ का ओपनिंग, ऐसे करके 2023 का एज ए तमिल फिल्म तेलुगु स्टेट पे बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुके हैं लियो। बात करूं केरला के बारे में तो केरला पे थलपति विजय का एक मैजेस्टिक रिकॉर्ड ओपनिंग दिया है, जहां पर केरला पे डे वन पे 500+ फैन शो अरेंज किया गया था, और केरला पे मोस्ट ऑफ द स्क्रीन पे रिलीज हुआ है लियो फिल्म, और ऑक्युपेंसी भी काफ़ी सॉलिड था। ऐसे करके फर्स्ट डे पे केरला पे लियो लाई है 11 करोड़ का ओपनिंग। और इंटरेस्टिंगली लियो फिल्म KGF 2 का केरला पे जो फर्स्ट ओपनिंग था 7 करोड़ 25 लाख, उसको किया है बीट। और ऐसे करके एज ए तमिल फिल्म केरला पे ऑल टाइम रिकॉर्ड बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुके हैं थलपति विजय का फिल्म लियो। अभी बात करूँ कर्नाटका को लेकर तो जहाँ पर इसी स्टेट पे लियो फिल्म फर्स्ट पे दिया है 13 करोड़ का ओपनिंग, और इसी स्टेट पे भी लियो किया है रिकॉर्ड, जहाँ पर एज ए तमिल फिल्म कर्नाटका पे ऑल टाइम रिकॉर्ड ओपनिंग दिया है लियो। अभी आ जाते हैं हिंदी बेल्ट को लेकर, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि हिंदी पे लियो का हुआ है 0 प्रमोशन, साथ में सिनेपोलिस और PVR पे लियो को रिलीज नहीं की गई है, और तो और फिल्म का एडवांस बुकिंग भी उतना खास नहीं था, पर स्पॉट बुकिंग पे ऑडियंस ने अपनी मैजिक दिखाई है। ऐसे करके हिंदी बेल्ट पे फर्स्ट पे लियो लाई है 2 करोड़ 8 लाख का ओपनिंग, और जो थलपति विजय के कैरियर में हिंदी डब्ड पे हाईएस्ट ओपनिंग है। ऐसे करके टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन आ जाते हैं 74 करोड़ के आसपास, और इंडिया ग्रॉस के हिसाब से एज ए तमिल फिल्म 2023 का हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म दिया है थलपति विजय ने अपनी फिल्म लियो को देकर। यानी कि देखा जाए तो इंडिया का हर एक स्टेट पे लियो एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और अभी इंडिया को छोड़कर ओवरसीज की बात करूं तो ओवरसीज पे थलपति विजय की फिल्म लियो फर्स्ट डे पे लाई है 66 करोड़ का मैसिव ओपनिंग, और चलिए देखते हैं कि नंबर वन ओपनिंग ओवरसीज का कौन कौन सी कंट्री पे लियो दिया है। नॉर्थ अमेरिका, GCC, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और नॉर्वे। और इन सभी कंट्री पे थलपति विजय का फिल्म लियो रिकॉर्ड ओपनिंग यानी कि नंबर वन ओपनिंग लिया है। देखा जाए तो लियो पे थलपति विजय को छोड़कर फैंटास्टिक विजुअल, BGM और जो एक गुजबाम वाला इंटरवल रहा। और अगर बात करूँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर तो थलपति विजय का फिल्म लियो वर्ल्ड वाइड पे फर्स्ट डे पे दिया है 140 करोड़ का मैसिव ओपनिंग, ऐसे करके 2023 का बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुके हैं लियो। सोचिए सिर्फ मिक्स्ड रिव्यू लेकर इतने सारे रिकॉर्ड और इतने सारे कलेक्शन, तो फिर अगर फिल्म फुल पॉजिटिव रिव्यू लेकर रिलीज होता तो फिर तूफान लाता बॉक्स ऑफिस पे। और अपनी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखकर लियो फिल्म बादशाह शाहरुख खान का फिल्म जवान और थलाइवर रजनी का फिल्म जेलर, यानी कि इस साल का सारे फिल्मों का कलेक्शन को किया है बीट।
और बन चुके हैं नंबर वन ओपनर ऑफ 2023। कॉन्ग्रेचुलेशन थलपति विजय और लियो टीम। बात करो अगर सेकेंड डे को लेकर तो यहाँ पर डे टू पे भी लियो का एक एक्सीलेंट होल्ड पे कलेक्शन आ रहा है, जहाँ पर एक तरफ फेस्टिवल के टाइम है, दूसरी तरफ थलपति विजय का फैन अपने फिल्म लियो का सेलिब्रेशन कर रहा है। ऐसे करके लियो फिल्म अपने शुरुआती टू डेज यानी कि टोटल टू डेज पे 220 करोड़ के आसपास कलेक्शन लाएगा। यानि कि सिर्फ टू डेज में ही थलपति विजय ने अपनी फिल्म लियो को देकर 200 करोड़ का क्लब पे लेने वाले हैं मैसिव एंट्री। तो थलपति विजय का फैन लियो आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और सिर्फ बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए माली शिजरीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।